हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। और आज मैं आप सबके साथ कोलकाता हैंडीक्राफ्ट फेयर की सेकेंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं खास करके मेरे जितने भी बाहर वाले फ्रेंड्स हैं जो कोलकाता में नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा वो लोग देखना तो पसंद करते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी इसका जो मज़ा है वो ले सकें। ये जो फेयर है ये न्यू टाउन राजारहाट में है, इको पार्क गेट नंबर 1 में। वैसे ये स्टार्ट हुआ था 27 नवंबर और एंड हुआ है 20 दिसंबर। तो ये मेला तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे मेला है जो कि न्यू टाउन में अभी हो रहा है। ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ढेरों सारे लैम्प शेड दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 150 से और 2500 तक का है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये जितने भी है ये वुडन ट्रे, फिर बहुत सारे चीज़ है, बाउल है और ढेरों सारे डेकोरेटिव पीस भी है। तो इस तरह का बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये जो पेयर है ये 550 का है, बड़ा वाला जो डियर दिख रहा है, और छोटा वाला 300 का है। तो ऐसे ढेरों सारे हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरह का चीज़। फिर ये देखिए छोटे छोटे बहुत ही डेकोरेटिव पीस यहाँ पर मिल रहा है। वैसे यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। और देखिए इस तरह का कॉम भी मिल रहा है, फिर ढेरों सारे है। वैसे स्टार्ट हो रहा है 50 रुपीज़ से। और ये जो है ना, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। इसको कहते हैं गोयना बोरी। और फिर साथ में देखिए ये जो है ये चुशी पीठा बोलते हैं। तो इस तरह का चीज़ें रेडीमेड मिलता है, फ्राई करके खा सकते हैं, जो गोयना बोरी है। तो दिखने में बहुत सुंदर होता है और चावल का बना हुआ है, कुछ दाल का भी है। और यहाँ पे देखिए फिर है, मैं जा रही हूँ एक स्टॉल में जो इसका नाम है जोलोंगी। तो देखिए अंदर में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, आप सबके साथ शेयर करने के लिए ही जा रही हूँ। और देखती हूँ अगर कुछ पसंद आता है तो वो भी मैं ख़रीद लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए ढेरों सारे फ्रेम वगैरह दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह का चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए छोटे छोटे चीज़ है बहुत सारे, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सभी मिट्टी का बना हुआ है, यानी कि इको फ्रेंडली है। और देखिए कितना सुंदर है ना, छोटे छोटे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नीटली काम किया गया है। तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और देखिए कितना कलरफुल भी है। तो इस तरह का चीज़ आप अपने घर में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ वुडन चीज़ें हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। वैसे ये तो बोल रहे थे सिंदूरदानी है, लेकिन मुझे ये बहुत ही क्यूट लगा है। देखिए इस तरह से है, फिश का शेप में, और ये 100 रुपीज़ का है। कितना सुंदर है ना दिखने में, बहुत अच्छा लगा है ये दिखने में। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ढेरों सारे कोस्टर मिल रहा है, फिर इस तरह का बहुत सारे चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें खरीदने वाली हूँ जो कि मैं बाद में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए ये भी कितना सुंदर है, पूरा जो मेरे जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं उसके, उन लोगों को तो इसके साथ एक इमोशन ज़रूर होगा। ये दुर्गा माता का एक पूरा फैमिली दिया हुआ है। और इस तरह का चीज़ आप अपने घर में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा हाई है, बड़ा वाला 11,000 का है और छोटा वाला 9,000 का, और ये जो है ये 5,000 का बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी बार्गेनिंग करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत ही कम में कुछ देगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ही नीटली यहाँ पे काम किया गया है और बहुत ही खूबसूरत भी है। तो इस तरह का बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, छोटा छोटा देखिए गोलू बाबा। वैसे मुझे इस तरह का चीज़ें रखना तो पसंद है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। यहाँ पे तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन सामने से और भी छोटा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने नहीं ली, लेकिन बहुत खूबसूरत है, छोटा छोटा सा।
इस तरह से हैं और बहुत सारे हैं। ये जो है ये 250 का बोल रहे हैं, तो इस तरह का ढेरों सारे चीज़ यहाँ पे मिल रहा है जो कि आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे इस तरह का फेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितने सारे वैरायटी मिल रहा है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे है ये देखिए वुडन चीज़ें, ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर सा है। पोस्टर भी मिल रहा है कितना सुंदर सा। और यहाँ पे फिर देखिए ये सभी चीज़ें ये जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ये देखिए, और अगर आप चाहते हैं तो इसको ये लोग कलर करके भी दे रहा है, तो काफ़ी सुंदर सा है। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे जो छोटे छोटे आइडल मिल रहा है। अच्छा लगता है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए इस तरह का चीज़ रखना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे भी वुडन चीज़ मिल रहा है, काफ़ी सुंदर सुंदर है। वैसे मुझे लगता है मैंने वहाँ पे घूम के जो दिखा है कि मुझे लगता है अलग अलग चीज़ ना दो चार जगह फिर ढूंढ के उसके बाद ही लेना चाहिए, नहीं तो प्राइस का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। सेम चीज़ अलग अलग प्राइस में यहाँ पे बिक रहा है, तो इसीलिए मैं कहूँगी पहले जाके पूरा देख लीजिए फिर उसके बाद ही वहाँ से बाय कीजिए, ये अच्छा होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ढेरों सारे वॉल हैंगिंग हैं जो कि जो आउल है ना वो सिंगल पीस 60 या 70 रुपीज़ का बोल रहे हैं। वैसे बार्गेनिंग करने से मुझे लगता है 50 रुपीज़ में भी मिल सकता है, तो ये भी बहुत सुंदर है। इस तरह का ढेरों सारे चीज़, ये सभी जूट का बना हुआ है, बैग वगैरह भी है, कोस्टर है, तो ये सब आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो बाटिक प्रिंट जो बोलता है उससे ही बना हुआ है, तो यहाँ पे क्लोथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए कुछ सलवार पीस वगैरह ये सब भी यहाँ पे मिल रहा है, साड़ी है, ब्लाउज़ है, तो ढेरों सारे चीज़ यहाँ पे भी है और अलग अलग प्राइस में है, तो इसीलिए मैं प्राइस नहीं मेंशन कर पा रही हूँ, तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर देखिए ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, ये 150 का बोल रहे हैं, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है ना। और बहुत सारे लैम्प शेड भी है यहाँ पे, इस तरह से कलरफुल दिख रहा है बहुत ही ये जगह। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन मुझे लगता है घर को डेकोरेट अगर कोई करना चाहते हैं तो इस तरह का एक दो चीज़ अगर रखेंगे ना तो घर का जो पूरा लुक है, पूरा माहौल है, वो चेंज हो जाता है। देखिए कितने अच्छे से काम किया गया है, ये देखिए इस तरह से, ये सभी वुडन चीज़ है, कितना नीटली काम किया गया है ना, तो ये सब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब देखने से भी मन खुश हो जाता है, कितने नीटली और कितने धीरज के साथ ये सब चीज़ बनाया गया है। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर कॉर्नर शेल्फ भी है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। इस तरह का काफ़ी सुंदर है दिखने में, थोड़ा सा प्राइसी है लेकिन इतना तो बनता ही है। और यहाँ पे देखिए ये जितने भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये सभी वॉल हैंगिंग हैं, और ये आइडिया ना मुझे बहुत पसंद आया है। देखिए इस तरह से, और नीचे कुछ बॉटल आर्ट भी है, तो ये सब 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, फिर प्राइस और डिज़ाइन के हिसाब से होता है। और ये वॉल हैंगिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इस तरह का चीज़ काफ़ी सुंदर है ये। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो इससे आइडिया लेके अपने घर में ये सब आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी इस तरह का कुछ चीज़, और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुँच जाए। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।